ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस, स्टेट यूथ कांग्रेस, एक सिंबॉलिक धरना करें हम, और जो बढ़ते हुए केसा शहर हैदराबाद, आप देखिए तेलंगाना में 3,300 केसा है और हैदराबाद के अंदर 60% से ज्यादा 1800 केसा हैदराबाद। और कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि आप लोग टेस्टा क्यों नहीं कर रहे, आप जहां भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा वहां पर आप कंटेनमेंट एरिया कर रहे हैं और कंटेनमेंट एरिया को आप 14 दिन 21 दिन रख रहे हैं और उसमें आप टेस्टा नहीं कर रहे हैं। और वहां से कंटेनमेंट से निकल के कोरोना फैल रहा। और सबसे परेशानी की बात यह है कि हमारे 60 डॉक्टरों को और 40 पुलिस वालों को जो खुद की जान को दांव पे लगाए, अपने खानदानों की जान दांव पे लगाए आवाम को बचाने के लिए, आज आप देखिए उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, निजाम ऑर्थोपेडिक, पेटला बुर्ज मेटर्निटी हॉस्पिटल, किंगकोटी हॉस्पिटल, नीलफर हॉस्पिटल, इसमें पीजी कैरेसो डॉक्टर्स, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, गाइनोकॉलोजिस्ट, प्रोफेसर्स, एक्स प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, सैनिटाइजिंग वर्कर्स, सफाई करते सो लोग, सिक्योरिटी गार्ड, जो हॉस्पिटल में आम आदमी की जान बचना वो हॉस्पिटलाइज एक हॉटस्पॉट बन जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? आप जो पीपीई किट दिए, आप जो N95 मास्क दिए, एक ड्रग आता जिसको बोलते हैं HCQ हाइड्रोक्लोकीन, ये ड्रग देना पड़ता 7 वीक डॉक्टरों को नर्सों को, ये ड्रग्स नहीं दिया। आपके जो पीपीई किट्स है वो लो ग्रेड है। हॉस्पिटल में कोरोना वायरस फैल रहा और गवर्नमेंट को जो भी नहीं चढ़ रही। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का बेंच पूछा गवर्नमेंट से, डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए आप क्या बोलते, पीपीई किट्स दिए बात, N95 मास्क दिए बात, दूसरे सेफ्टी गेयर्स दिए बात, आखिर कैसा क्यों बढ़ रहा है? स्क्रीनिंग नहीं कर रहे आप हॉस्पिटलों में, आउट पेशेंट को डील करने का मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। और ये महीना जो जून का है, ये महीना कभी भी सीजनल बीमारियों का है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, इसमें कोरोना वायरस हावी होता। आप एक TRS पार्टी एक स्कीम निकाली, संडे हर संडे 10 बजे 10 मिनट 10 हफ्ते तक सफाई का काम करेंगे और आवाम में जाके अवेयरनेस लाएंगे कि मच्छरों को कैसा खत्म करना, गंदगी को कैसा खत्म करना। आप म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड आके बोलते मैं स्पेशल ड्राइव लगाया। स्पेशल ड्राइव में आपको क्या करना है, जहां पर भी स्टैग्नेंट वाटर है आपको साफ करना है, नालियां मोहरियों को साफ करना है, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का कचरा है साफ करना है, फॉग मशीन चलाना है, एंटी मॉस्किटो स्प्रेस डालना है, इस तरीके से आपको ये सीजनल बीमारियां रोकना है। और उससे पहले आपको क्या करना है, कोरोना कोविड को रोकने आपको सैनिटाइजेशन करना है।
आप बताइए आप किधर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, और आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं तो भी नाम के वास्ते कर रहे हैं आप स्पेशल ड्राइव बोले हैदराबाद में और तेलंगाना में, आप अवेयरनेस लाते बोले, आप क्या कर रहे हैं? तो आज जो कांग्रेस एहतजाज करी ये बोल के कि गरीब को पूछने वाला नहीं है, सेंटर की हुकूमत नरेंद्र मोदी की 20 लाख करोड़ का ड्रामा करे, वो एक इवेंट मैनेजमेंट के वैसा 5 दिन का ड्रामा चला, वो पैकेज नहीं था वो लोन मिला था, और पूरी स्कीम फ्लॉप। कांग्रेस पार्टी बोली 10,000 रुपए आप हर किसी के अकाउंट में डालिए। आज जो गरीब है वो बहुत बेबस है, बहुत परेशान है, आप उनकी मदद करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करी, स्टेट गवर्नमेंट जो 12 किलो राइस और 1500 रुपए दे रही, स्टेट गवर्नमेंट हाथ उठा दी केसीआर साहब, ये मैंने से हम 1500 रुपए नहीं दे सकते। आप बोलते तेलंगाना सरप्लस स्टेट है, इरिगेशनों के प्रोजेक्ट में आप करोड़ों रुपए खर्चा करते, कॉन्ट्रैक्टरों को देने के लिए आपके पास 10,000 करोड़ है, गरीब को देने के पास आपको 1500 नहीं है केसीआर साहब? कॉन्ट्रैक्टरों से आपको कमीशन आता, आपको आपके बेटे को, इसके लिए आपके पास पैसे है? आज कोरोना वायरस क्यों फैल रहा? जब मैं नामपल्ली के गली बस्तियों में फिरता हूं और लोगों से पूछता हूं कोरोना से डरने होता क्या आपको, तो पलट के बोलते मेरे को, मेरे बच्चे भूखे हैं फिरोज भाई, हम परेशान है फिरोज भाई, हम काम नहीं करेंगे तो घर से नहीं निकलेंगे तो कैसा? तो सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सफाई मेंटेन करना है। आज अफसोस इस बात का, तो गवर्नमेंट पैसे नहीं डाल रही ना, गवर्नमेंट टेस्ट कर रही। कांग्रेस पार्टी एक जबरदस्त सजेशन दी गवर्नमेंट, जहां पर भी कंटेनमेंट एरिया है आप मोबाइल एम्बुलेंस भेजाइए। मोबाइल एम्बुलेंस में स्नैप टेस्टिंग रहती, पूरे कंटेनमेंट एरिया को आप टेस्ट करिए और कंटिन्यूस टेस्ट करिए आप, तो अपन ये COVID-19 को रोक सकते। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब 4 एम्बुलेंस निकाल दिए, प्रेस के सामने बुला दिए, बता दिए, बात खत्म। ना सैनिटाइज हो रहा, ना टेस्टा हो रही, ना गवर्नमेंट सीरियस है। माइग्रेंट वर्कर्स के टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट आई, हाई कोर्ट बीच में आई, अब डॉक्टर्स के तालुक से कोविड के केसेस क्यों बढ़ रहे, फिर हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही। और कोई भी कितना भी बोलो केसीआर को, केटीआर को और वो हेल्थ मिनिस्टर को, बात समझ में नहीं आ रही। और ये महीने में अगर से हम मजबूती से काम नहीं करेंगे तो ये जो COVID-19 पैनडेमिक बोलते ये एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आज तेलंगाना में 3,300 केसेस है, अगर से इसको मजबूती से जिम्मेदारी से गवर्नमेंट अमल में नहीं लाएंगी तो ये 1,00,000 केसा हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा हो, पर आज बढ़ते हुए केसों को देख के, क्योंकि कहां पर भी प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं हो रही और ये पूरे हॉस्पिटल इसके गवाह है। पुलिस फोर्स अपनी जान को दांव पे लगा के, अपने खानदान की जान पे दांव पे लगा के आज वो 40 पुलिसमैन, कल आप सुने आप पूरे प्रेस वाले चादर घाट के कांस्टेबल को COVID-19 हुआ, 4 हॉस्पिटल फिरे, उसके बाद CP साहब बोलने के बाद उनको हॉस्पिटल में अलाउ करे। पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाल ही गांधी में टेस्टिंग हो रहा था, फिर हाईकोर्ट आया बीच में, आके बोला जिसके पास भी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का सर्टिफिकेट है, जो भी हॉस्पिटल के पास, उसको आप टेस्टिंग करने का दियो। जब मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब को बुला के आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग ना कराओ बोलते आप, तो सिंपल बात यह है कि COVID-19 के लिए ना तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सीरियस है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट सीरियस है। तो आज कांग्रेस एक ही मांग कर रही, हेल्थ मिनिस्टर साहब अगर से आप नहीं संभाल सकते तो किसी और को दे देंगे, मगर मेहरबानी करके हैदराबाद को बचाइए,
क्योंकि पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैदराबाद है। जय हिंद, शुक्रिया।